आफ्टरनून एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। घड़ी में बज चुके हैं ऑलमोस्ट 3:30। नाउ आई एम गोइंग फॉर माय लंच। आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो आज का लंच में हमारा कड़ी और चावल। ये अच्छा, ये टूट गया है, यहाँ से निकल गया है, टूट गया, वही तो टटक, करंट तो नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक है, मंगाना पड़ेगा। हमारा टूट गया वॉशिंग मशीन का, देखिए ये दो मंगाने, फिर वो भी चेंज कर देते, क्या बोलते हैं इसको, देखना पड़ेगा, रोलर होता है, रोलर ना, ये कपड़े घुमा निकलेगा, अच्छा इसी पे फिट हो जाएगा। अरे क्या बनाया ये, टावर बनाया, एवेंजर्स का, इसको खड़ा करके बनाना था ना तेरे को, थोड़ा सा इसको, ये देखो, ये इसको खड़ा कर ले, अरे अरे गिर गया, दोबारा बना, जोड़ पहले, ये तो इसमें आएगा नहीं, इसको लेटाना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं इसको, ये देखो ऐसा, अब इसको खड़ा करते हैं, वो? ओ भाई साहब, यहाँ पे कर सकते हैं, इसका एक गैप है ना, ओ भाई साहब, हो गया हो गया, इसको भी इसको भी इसको भी इसको इसको वाले को इसको, ओहो ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, जा रहे हैं मार्केट सब्जी वगैरह सब लेने के लिए, क्योंकि कल है हमारे पिताजी का श्राद्ध, तो हम उनकी श्राद्ध की पूजा करने वाले। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम पापा के रेगुलर श्राद्ध नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारी फैमिली में तीन हमारे चाचा चाची दादा वो एक्सपायर हो गए, जिसके वजह से पापा के श्राद्ध आगे चले गए थे, तो कल हमने वो पूजा रखी है, दिवाली से पहले होती है, तो कल का दिन है, तो कल हम उसकी पूजा उनकी पूजा करेंगे, और उसी के लिए हम सामान लेने जा रहे हैं। टीना का भी मैचिंग, मेरा भी मैचिंग, मैचिंग में सिर्फ ये मोरल से ग्रे कलर आ रहा है, नीचे ग्रे, मेरा भी ग्रे, और ये पैजामा भी मैचिंग, मेरा पैजामा का ब्लू मैचिंग है, इसका पैजामा इसका लाइन का मैचिंग है। शीशे में देख रहा था फोटो लेने की कैसा आता है, लेकिन अंधेरा है, तो इसके वजह से ना शक्ल आ रही है ना कुछ आ रहा है, फ्लैश लगा के देखा वो भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या हार जाता है, इसलिए ट्राई कर लिया। कई लोग सोचते होंगे ये क्या है, ये हमारे ब्रह्म कुमारीज का लोगो है, ओम शांति का। दिवाली की तैयारियां आई थिंक शुरू हो गई, लाइटें लग चुकी हैं, तो हम लोग आए हैं ये जंगल के साइड में देखने के लिए कितना काम हो रहा है। खट्टा आम है, बच्चों के लिए भी ले लिए मोमोज खाने के लिए। किसी का सामान आया लगता है, काफी शिफ्टिंग होती रहती है, क्यों आया? ये देखो दौड़ दौड़ के आ रहे, ऐसे भाग भाग के आएगा तो कैसे होगा, चल गाड़ी में बैठ। अरे कैमरा वीर को देखो, पूरा उधर वहाँ टी शर्ट ले रहा था, इनका एसपीएल टूर्नामेंट है सैटरडे को,
और उसके चक्कर में ये हमको पकड़ने के चक्कर में भाग भाग के, और अभी देखो पीछे कैसा हाँप रहा है। दिस इज द राइट वे, मेरे को नहीं पता। हमारे कैमरामैन को देखो, कैमरामैन को देखो, कैमरे का भी एक्सपीरियंस आया नहीं चलाने का। इतने पास से लेके कैसे होगा? आपको दिखाते कैसी टी शर्ट है, ए बी रियलिटी। ओ इस बार तो तुम्हारा पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से बनाया, पीछे ना स्पॉन्सर्स का भी नाम है, रोशन राय, वाह गुड। पहन के दिखाना भी घर पहुंच के। हमको पुराने इंडिया का, मुंबई इंडियंस को कौन सा कलर मिला? जो अभी इंडिया का कलर है। और तुमको ये दूसरा पुराना वाला जो ओल्ड वाला है, सही है फिर तो। तो इस बार बीज जो है कैप्टन नहीं है, वाइस कैप्टन है, ये वाइस कैप्टन है। तो अच्छा है, कैप्टन वाइस कैप्टन सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए, प्रेशर हैंडलिंग आना चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। दौड़ दौड़ के आ गया इतना तेजी से, ये नहीं कि आवाज़ मार दे पीछे से, हैं? हाँ तब तक टी शर्ट नहीं मिली थी। अरे तो पीछे से गाड़ी आ गई थी ना, इसलिए मैंने हटा दी, निकल गया वहाँ से। नहीं तो हमने देख लिया था तेरे को, लेकिन गाड़ी आ गई थी पीछे से, इसके वजह से हम निकल गए। चल कोई बात नहीं, साइकिल है किधर तेरी, दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई? ये उल्टी पटकी है। चल 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 रैम्बो रैम्बो रैम्बो, ये चप्पल उठाओ। बाहर कहाँ जा रहा है, बाहर कहाँ जा रहा है बेटे? सर रैम्बो को भी मिल गई है उसकी ट्रीट, सुबह से कुछ खा नहीं रहा था, तो चलो मैंने कहा हम भी फास्ट फूड खाते हैं, तो क्यों ना इसको भी फास्ट फूड खिला जाए। फास्ट फूड मीन्स इसकी ट्रीट लेके आया मैं, देखो लग गया अपने खाने में। पहन के दिखाओ जरा कैसी लग रही है तुम्हारी SPL की चेयर नहीं यार सॉरी, क्या क्या वर्ड्स आ जाते मुंह में, SPL की टी शर्ट। अरे वाह क्या बात है, कॉलर सही कर। अरे ये बढ़िया अच्छे हो विराज, नंबर नहीं लिखवाया इस बार? नंबर नहीं लिखवाते हैं? नंबर नहीं लिखवाते। अच्छा ठीक चलो, बच्चों की पार्टी शुरू हो गई, मोमोज वाली पार्टी। सही है, वीर और मैं जा रहे हैं दोबारा से मार्केट, क्योंकि हम लोग भूल गए एक चीज। फटाफट थैला भूल गए, बताओ जल्दी। ऐसा कई बार होता है कि अगर आप लिस्ट नहीं बनाओ तो चीजें छूट जाती हैं, तो वैसे ही हमारे साथ भी कुछ कुछ हो गया। मुंबई का मौसम जो है ठंडा गर्म हो गया, ठंडा गर्म, सुबह दिन में गर्म होता है, शाम को ठंडा हो जाता है, सुबह ठंडा होता है एसी, तो शाम को एसी चलते हैं जिसके वजह से ठंडा गर्म हो जाता है, तो लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है। एनीवे इस मौसम में जब भी मौसम बदलता है तो हमने अपने आप को प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है। सो मैं जब शूट कर रहा था, शूट करते करते मैंने देखा कि फ्लैश लाइट बंद हो गई, आई थॉट कि ऊपर से लाइट आ रही उसके वजह से फ्लैश लाइट बंद हुई होगी, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो ये जो है कैमरे वीडियो जो फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो गई थी, क्योंकि मैं 4K में वीडियो बनाता हूँ जिसके चलते वो स्पेस काफ़ी लेता है, और मैं प्रीवियस जो वीडियोस थे वो डिलीट करना भूल गया, जिसके चलते ये स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया। देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे इसका। ये देखो पूरा दिवाली का पूरा लाइटिंग हो गया, अभी थोड़ा बहुत हुआ है और भी होगा, यहाँ पे भी हुआ है। ये भूल गए थे हम लोग, चले हाँ और कुछ। चल 9:30 हो गया और पूरा सुनसान हो गया, बहुत चहल पहल कम हो गई है। मैं 9:30 इस टाइम में बहुत कम आता हूँ नीचे, बट देखा जाए तो चहल पहल अभी कम है 9:30 बजे। तो अभी हम लिफ्ट में मिले एक बच्ची से, उसने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया, तो ये कहते हैं ना कि ये अपने आप आता है, हम लोग बड़े बड़े लोग भी कई बार अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्ची ने अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद वीर से भी हाथ मिलाया,
फिर मैंने उसको पूछा कहाँ से आ रहे हो, खेल के आ रहे हो, तो यू नो दीज थिंग्स लुक्स वेरी नाइस बेटर, बहुत अच्छा लगा। सचिन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, फिर वीर ने भी बोला कि मैं सोशलाइज नहीं, मतलब ही इज़ नॉट सोशलाइज, तो उसको भी पता चल गया कि क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ से वर्क करना चाहिए। तो आजकल के बच्चे जो है ना, प्रॉपर गाइडेंस करोगे, कोच करोगे, दे विल डू वंडर्स, डू दैट। ये देख सकते हो आज चांद दिख रहा है आराम से, और ये गारंटेड है कि जिस दिन करवा चौथ होगा ना, उस दिन ये लेट आएगा चांद। ये होता ही है, हमने हम तो क्या नोटिस कर रहते हैं साल से, तो ये हमेशा लेट आते हैं। जिस दिन कहते हैं जब जिस चीज की जरूरत हो वो आपको अगर नहीं मिलती तो बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज देखो आप निकले हुए चांद चंदा मामा, उस दिन लेट आएंगे। और मे भी ये भी कह सकते हैं लेट आने का कारण ये भी हो सकता है कि जितने भी सुहागने हैं वो सारी चांद को दिखा दिखा के देख देख के अपना व्रत खोलती है, तो शायद इसके लिए भी लेट हो जाते होंगे हर घर जाते जाते। ये भी एक सोच सकते हैं हम लोग अगर पॉजिटिव वे में सोचे तो। ये ऊपर से देख सकते हो आप लाइटिंग, इधर कुछ लाइटिंग हो गई, इधर कुछ लाइटिंग हो गई, उधर कुछ कुछ पेड़ों में लाइटिंग हो गई है, और बाकी जगह भी हो जाएगी, कुछ कुछ घरों में भी हो गई है। आप देख सकते हो एक घर पे वहाँ दिख रही है, वो सामने एक ब्लू कलर में दिख रही है, इधर दिख रही है, तो कुछ कुछ घरों में तो लग चुकी है लाइट। हम भी मोस्ट प्रॉब्ली देखते हैं संडे को हम भी लगा देंगे लाइट करवा चौथ वाले दिन। यस, इसके बाद तो एक हफ्ता रह गया तो दिवाली आने के साथ। सो यहाँ पे बैठ के अभी जस्ट मैंने जो है अपने व्लॉग की एडिटिंग खत्म की है आज की, और ये जो है लास्ट का शूट कर रहा हूँ टू एंड दिस व्लॉग हियर। सो बने रहे हैं मेरे साथ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग चैन ऑफ लाइफ।